लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे उपायुक्त। आज दिनांक 10 मार्च 2024 को ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी सैयद आसिफ अख्तर, अध्यक्ष मतीनुल हक अंसारी, सचिव मुख्तार आलम खान, मोइनुद्दीन अंसारी, अयूब अली, शाहिद परवेज और ताहिर मौजूद थे। मुख्तार आलम खान ने बताया कि 11 मार्च 2024 को महल इनके सभागार में 11 बजे दिन में आजाद नगर थाना क्षेत्र के सामाजिक संगठन, धर्मगुरु, बुद्धजीवी, समाज सेवी और करीम सिटी कॉलेज के NSS डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आले अली और उनके छात्र इस प्रोग्राम में भाग लेंगे। इन सभी को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल और पूर्वी सिंहभूम के प्रशासनिक पदाधिकारी लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए आए हुए गणमान्य व्यक्ति को संबोधित करेंगे और वोटिंग के प्रति जागरूक करेंगे। सभा इलेक्शन 2024 आ गया है और उसी के सिलसिले में हम लोग ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक वोटर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िला के उपायुक्त इसमें शामिल होंगे इस प्रोग्राम में और उनके साथ सारे वरीय पदाधिकारी जिला पूर्वी सिंह के भी रहेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम में आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के दानिश्वर, उलमा और इंटेलेक्चुअल्स, धार्मिक गुरु सारे लोग किया जाएगा, उनको ये जागरूक करेंगे। क्या क्या इसमें होगा? इसमें मेन है कि आप मतलब 100% वोट कैसे मतलब दें अपने फेवरेबल कैंडिडेट को, क्योंकि वोट कहीं ना कहीं ज़ाया हो जाता है और लोग मतलब शामिल नहीं हो पाते हैं। लोग उस दिन या तो पिकनिक मनाते हैं या वोटिंग में चले जाते हैं। तो मेरी हम लोग की कोशिश होगी कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए कि आप अपने मत का अधिकार प्रयोग ज़रूर करें। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का ये प्रोग्राम है और हमारे ट्रस्टी हैं आसिफ महमूद साहब, उन्हीं की जानिब से ये वहाँ मतलब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि गर्मी भी शुरू हो गई है और वो सेमिनार हॉल है, सेमिनार हॉल में प्रोग्राम होगा और इसके बाद लोग अपने अपने जगह से इसको अवेयरनेस का प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।